हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो अभी अभी जो बिहार ऑडिटर का एग्ज़ाम था मेंस का, उसका जीएस पेपर टू का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और जो इसके क्वेश्चंस थे वो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं एक तरह से कि किस टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, साइंस एंड टेक का काफ़ी ही ईजी था, तो मतलब कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं, ये फेडरलिज्म पे है कि क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड डिस्कस इट्स मेजर टेंस एंड एरियाज विद स्पेशल रेफरेंस टू द COVID-19 पैंडेमिक पीरियड। अभी तक बिहार पैंडेमिक वाला क्वेश्चन उठा ही रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम लोग को यही बताना था कि फेडरलिज्म का कैसा वर्किंग है, कि इंडिया एक फेडरल नेशन है, बट इंडिया एक क्वासी फेडरल नेशन भी है। ठीक है, इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा सेंटर की तरफ ज़्यादा टिल्ट है। तो उसी के रेफरेंस में हम लोग को थोड़ा टेंशन एरियाज़ बताना है कि कौन कौन सा एरियाज़ है जहाँ पर थोड़ा टेंशन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म सही से काम नहीं करता। और उसका खास रेफरेंस हम लोग को COVID-19 पेंडेमिक से देना था, क्योंकि हम लोग को पता है जो GST वाला मुद्दा उठा था कंपेंसेशन का, कि 2022 तक बोला गया था कि दे दिया जाएगा, बट मतलब कि फिर कुछ इशूज़ के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट था वो उतना फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, उसके पास उतना टैक्स नहीं आ रहा था COVID-19 के टाइम, और सेंटर भी था अपना हाथ उठा लिया था। तो ये वाला एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेंटर सही से काम नहीं कर रहा था, कहीं कहीं वो फ्री वैक्सीन डोनेट कर रहा था बट वहीं स्टेट पे ले आया था कि स्टेट ही अब परचेज करेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा वैक्सीन को। इससे भी ये भी एक मुद्दा बन गया कि स्टेट के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा COVID-19 के टाइम में। ठीक है, तो और भी एक दो मुद्दे जिसे आपको इलाबोरेट करके लिखना है, तो फिर आपको इसमें फिर कंक्लूजन देना है कि स्टेट एंड सेंटर शुड फॉर्म अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, ये सब है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है जुडिशियरी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हैज़ दिस इंडिपेंडेंस डिक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, गिव सफिशिएंट सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स टू योर आंसर। तो इसमें हम लोग को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसके बारे में तो ये आर्टिकल 50 में मैंशनड है। ठीक है, आर्टिकल 50 में ये मैंशनड है कि जो जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है। और हम लोग को इसमें ये भी बताना है कि क्या लास्ट जो 10 साल थे उसमें जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस घटा है या बढ़ा है, और अगर घटा है बढ़ा है तो उसका आपको आर्ग्यूमेंट देना था कि वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया सिंस द लास्ट टू डिकेड्स। ठीक है, लास्ट टू डिकेड्स, पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ पार्टी सिस्टम चेंज में। फिर ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अप्लाइड क्वेश्चन है कि कैसे पार्टी सिस्टम चेंज हुआ। जैसा कि हम लोग जानते थे कि पिछले 20 सालों में पहले कोलिशन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता था, UPA गवर्नमेंट कोलिशन बना के आती थी, बट सिंस 2014 वी आर सीइंग दैट कि NDA गवर्नमेंट जो कि BJP है वो एक तरह से सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि पहले बहुत ऐसा होता था कि जो हम लोग बिल पास करना चाहते थे वो पास नहीं होता था, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करता था तो उसी कोलिशन में दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज करता था। ठीक है, बट हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक पे कानून पास कर दिया गया, कश्मीर पे कानून आ गया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो था उस पर आ गया। ठीक है, तो ये एक तरह से जो सिंगल पार्टी सिस्टम है जो कि मेजोरिटी बन के आया है उसके कारण ये सब हुआ है। तो एक तरह से ये हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग विच हैज़ टू बी परफेक्ट एंड विच इज़ सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन भी अच्छा है, लेट एग्जामिन द ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू मेक देम मोर इफेक्टिव क्रिएटिव एंड रिसेप्टिव विद द स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो यहाँ पे बिहार पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन है, और एक तरह से पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन है कि उसका ऑटोनॉमी क्या है और उसका कंट्रोल क्या है। ठीक है, मतलब हम लोग एग्जामिन करना है ये कि पंचायत राज संस्थाओं के जो ऑटोनॉमी है और नियंत्रण का परीक्षण कीजिए। तो उसके बारे में बताना है कि हम लोगों को तो पहले ये बताना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की ये कैसे आया, फिर कितना लेयर होता है,
ठीक है, और फिर हम लोग को इसमें सजेशन देना है कि हम लोग इसको और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन को इनकरेज करे। ठीक है, जो 50% रिजर्वेशन वीमेन को दिया गया है तो बस वीमेन नाम का नहीं आया आगे, वीमेन हैज़ टू बी इन द फोरफ्रंट। ठीक है, कि ऐसा होता है कि बस वहाँ पर नाम चढ़ा दिया जाता है औरत का, बट सब काम एट द बैकड्रॉप वो आदमी ही करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वी नीड टू एजुकेट वीमेन। ये सब हम लोग को करें तो इट विल बी मोर बेटर। ठीक है, फिर क्या है, ये जो सेक्शन टू है, बट सेक्शन टू बताने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करना है कि एक टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है कल से, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा, मतलब आप लोग ऑनलाइन होगा ये। ठीक है, ये मेनली अभी इंग्लिश मीडियम के लिए शुरू हो रहा है, बाद में ये धीरे धीरे हिंदी मीडियम के लिए भी होगा, बिकॉज इट इज़ द इनिशियल फेज फॉर द स्टार्टिंग ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कल तक, अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये आपको फीस 899 लगेगा, नॉट 999। इसमें टोटल 8 टेस्ट है, जिसमें कि पहला हिस्ट्री और DI है, फिर करंट अफेयर और DI है, फिर वैसे ही पॉलिटी करंट अफेयर 21 तारीख को है, 28 को इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, फिर 4 फुल लेंथ होगा जिसमें कि दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो अभी हाल में एग्ज़ाम हो रहा है उसको ही रिपीट करके पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर में, करंट अफेयर भी आपको पता ही है, अगर हम पूछ भी देते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, देन यू नीड टू बी एबल टू आंसर इट, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में था, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते देन यू कैन ज्वाइन जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये बताना था, तो चलिए हम लोग ये जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन का, तो ये है, द फेनोमेना ऑफ रिवर्स माइग्रेशन पोजेस वेरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द फ्रंट ऑफ बिहार। ठीक है, फिर डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19 लॉकडाउन रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, देखिए रिवर्स माइग्रेशन क्या होना, कि एक तो ये लोग यहाँ से, मतलब बिहार से बाहर गए, जैसे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश ये सब इलाके गए ये लोग, बट वापस जब वो लोग आए ना तो एक तरह से इकोनॉमिक चैलेंजेस हुआ, क्योंकि उस टाइम एक तो गवर्नमेंट अपना पॉपुलेशन को सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी, और वहाँ से जो माइग्रेंट्स आ रहे थे तो उनका चैलेंजेस था, जो कोविड का जो स्प्रेड था वो तो अलग ही बात था। तो इसी में हम लोग को बताना है कि कैसे इसको टैकल किया गया, क्या क्या इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट क्या की, और हाँ इसमें हम लोग वो भी दे सकते हैं कि जैसे प्रधान जो मनरेगा था उसमें भी जो इनकम लेवल था उसको बढ़ा दिया गया, मतलब जो डेली वेज था, और साथ ही साथ जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट UP गवर्नमेंट ये लोग कर रहे हैं कि दे आर डूइंग दैट, ये लोग स्किल टेस्टिंग किए और फिर मतलब प्रोवाइड किए स्किल ताकि ये लोग अच्छे से काम कर सके, तो वो भी हम लोग बिहार में भी ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग को डिस्कस करना है, जब स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डबल द फार्मर्स इनकम, कि फार्मर का इनकम को कैसे डबल कर पाए। तो एक तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि 2022 तक का टारगेट दिया गया था, तो एक तो इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम लोग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, इससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, और फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो PDS सिस्टम है उसको इनकरेज कर दे, फिर जितना गवर्नमेंट स्कीम है, लाइक आपका पोषण 2.0 हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, ये सबको इनकरेज करें। और अगर कुछ कुछ स्टेप्स लेना है हम लोग को फार्मर इनकम को डबल करने के लिए, देन जैसे कि अभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताया तो मशरूम जो अभी बिहार टॉप पे चला गया, तो उसमें अगर हम लोग अच्छा से मेहनत करें, मतलब अगर उस सेक्टर को ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो बिहार में भी जो फार्मर इनकम है वो 2 गुना नहीं 4 गुना होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ऐसा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स इज एन अटेम्प्ट टू क्वान्टिफाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिवन गिव द BNI सिनेरियो इन इंडिया। तो हम लोग को पता है जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है, ये 2019-20 के जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें आया गया था, जहाँ पे बोला गया था कि हम लोग को जो हाउस होल्ड जो ज़रूरत होता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउसिंग कंडीशन, वो सब चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए था। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग को लिखना था कि इंडिया में क्या सिनेरियो है। तो इसमें जो आया था यार इकोनॉमिक सर्वे में उसमें एक आइडिया भी था थैलीनॉमिक्स का, कि हम लोग को हर इंसान की जो प्लेट होता है तो वो हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए,
ठीक है। और हम लोग को बस रोटी कपड़ा और मकान नहीं, उससे भी आगे बढ़ के देखना चाहिए, ठीक है। ये सब था, तो इसमें लगभग 26 इंडिकेटर थे, 5 डायमेंशन थे, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम भी लाया गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे कि घर मिल सके, एजुकेशन के लिए आया गया पीएम ई विद्या हो गया, ठीक है, फिर आत्मनिर्भर भारत योजना, ये सारे स्कीम इसमें आए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। और इसको इन कंटेक्स्ट टू बिहार लिखेंगे, दैट विल बी वेरी मोर, मतलब विल मेक योर आंसर मोर डिफरेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर स्ट्रक्चर रिफॉर्म लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड प्रॉस्पर नाउ। क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। तो जो रीसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था इंडिया का, जो 1991 था, उसी के बेसिस पे हम लोग को स्ट्रक्चर रिफॉर्म लिखना है। स्ट्रक्चर रिफॉर्म होता क्या है कि एक तरह से जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, FDI हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आए, हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी को बिल्ड करें, पब्लिक सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर पे काम हो, ये सब चीज़ स्ट्रक्चर रिफॉर्म में आता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग को लिखना है यहाँ पे कि कैसे वो मदद कर सकता है फॉर इंडिया टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एरा ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। वही कि टेक्नोलॉजी का कैसा रोल था इन द COVID-19 पेंडेमिक। इसमें हम लोग को इंडिया के संदर्भ में लिखना था और बिहार के भी संदर्भ में इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हर फील्ड में हम लोग देखें, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है, हर फील्ड में आया था। एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, ठीक है। फिर ड्रग, मतलब जो हम लोग जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में भी यूज़ किया गया, मतलब बहुत सारा फील्ड था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, रोबोटिक्स यूज़ किया गया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ये सब था। तो ये सब आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ हैज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इफेक्टेड द लाइफ एंड सोसाइटी। साइंस एंड टेक जो है लाइफ और सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड टूल्स ऑन कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड एरियाज। तो यही आपको बताना है कि जो इंटरनेट है या उससे रिलेटेड टूल्स है, वो कम्युनिकेशन और रिलेटेड एरियाज में कैसे हेल्प कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 5G का बता सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये तो मेजर ही सेक्टर है इस लाइफ एंड सोसाइटी के लिए साइंस एंड टेक का रोल में। क्योंकि अगर हम लोग बाहर से आ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो रूम है वो पहले से ठंडा हो जाए, या फ्रिज में पानी, मतलब जो पानी है वो गर्म हो जाए, तो वो सब IoT की मदद से हो रहा है, ठीक है। वाईफाई अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें आप गवर्नमेंट स्कीम जैसे PM वाणी, ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ था। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी और डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी इन द डाइवर्स एरियाज। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना था और इसका जो एप्लीकेशन है अलग अलग एरियाज में वो बताना था, जैसे कि मेडिसिन हो गया, फिर जिसमें कि हम लोग ड्रग डिलीवरी का काम करते हैं, कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होता है, कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, डिस्कस द सिनेरियो ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो हम लोग को इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में लिखना था और एक तरह से सिनेरियो देना, मतलब बताना है प्रमुख रूप से विंड एनर्जी, जो पवन ऊर्जा है, और जो सौर ऊर्जा है उसके बारे में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको हम लोग को पर्टिकुलरली इसमें लिखना है, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो यही था। और इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो COP26 ग्लासगो में पंचमित्र प्रिंसिपल्स दिया गया था PM मोदी के द्वारा, उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में लिखना चाहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 67 BPSC मेंस के लिए, और हम लोग को ये एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। एटलीस्ट यू कैन डू इट इन योर रूम बाय सिटिंग, कि आप 3 घंटा का यही पेपर लगा लो, बहुत ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इतना ही था जो एनालिसिस था। आप ये PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और आपको और भी जो टॉपिक्स है हिस्ट्री के, विच आई एम डूइंग इन द यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑल्सो सी डैट, आप उसे भी देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।